हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एनपीसीस लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने कल देर रात अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किए, रिजल्ट थोड़े लेट आए इसलिए कल मैं वीडियो बना नहीं पाया। बट टुडे ये स्टॉक जो है वो 2.5% ऊपर है। प्रेजेंटली आज का जो डे लो है वो 29.20, यानी स्टॉक मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे गया था। जिन लोगों ने रिजल्ट को समझा नहीं शायद उन्होंने शॉर्ट किया था, बट फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया है। 3000 के नीचे ये स्टॉक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नाउ परसिस्टेंसी टर्म ये एम्फेसिस रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट कैप 58,956 करोड़। सो इट्स अ मिड कैप कंपनी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43.52, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। एंड 52 एक्स हाई लो को देखे 1511, 52 एक्स लो 3659, 52 एक्स हाई। प्रेजेंटली 3000 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 52 एक्स लो से 100% रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। सो एवरीथिंग इज गुड एंड मेरा टारगेट है 4000 इन दिस पर्टिकुलर ईयर। नाउ सबसे पहले हम रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर हम रिजल्ट को स्टैंडर्ड रिजल्ट को देखें, सो सेल्स 1945 करोड़ वर्सेस 1780 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1483 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 451 करोड़ वर्सेस 422 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 404 करोड़ थे। एक्सपेंसेस 1494 करोड़ वर्सेस 1358 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1079 करोड़, एक्सपेंसेस बढ़ा है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं ईच एंड एवरी क्वार्टर। अगर आप रिजल्ट को देखोगे सो ईच एंड एवरी क्वार्टर देयर इज अ इंप्रूवमेंट, एंड लास्ट 10-12 क्वार्टर में सबसे बढ़िया जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसी क्वार्टर में कंपनी ने शो किए है। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर हम नंबर देखें 422 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 403 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 381 करोड़ थे। सो 422 करोड़ इज अ गुड परफॉर्मेंस। मार्च में कंपनी का परफॉर्मेंस था और भी अच्छा था, बट वहां पे 421 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद थोड़ा परफॉर्मेंस डिट्यूरेट हुआ, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी घटा, इसलिए स्टॉक 52 एक्स हाई टच करने के बाद 3000 एंड 3500 के बीच कंसोलिडेट कर रहा था। बट फाइनली रिजल्ट अच्छे एंड नेक्स्ट क्वार्टर हम 450 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट 317 करोड़, 298 करोड़ से, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 316 करोड़ थी। यानी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंपेयरिंग टू प्रीवियस फ्यू क्वार्टर उसी रेंज पे पहुंच गया है। ऐसे नहीं कि बहुत बढ़ चुका है, बट डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर में जो करेक्शन था उसके बाद अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को अगर हम देखें सो इन दैट केस भी आप देख सकते हो सेल्स 3124 करोड़ वर्सेस 2869 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2474 करोड़ थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 553 करोड़ वर्सेस 498 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 466 करोड़ थे। एक्सपेंसेस का नंबर देखिए 2571 करोड़ वर्सेस 2371 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2009 करोड़ थे। एज एंड एवरी एस्पेक्ट सेल्स तो अच्छे बट एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं, दैट इज द थिंग। रिजल्ट में उतना इंपैक्ट नहीं आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 480 करोड़ वर्सेस 460 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 427 करोड़ थे। एंड नेट प्रॉफिट, नेट कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है 358 करोड़ वर्सेस 341 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 326 करोड़ थे। सो इंपैक्ट यहीं पे आया है। अगर हम स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट को देखें उसमें भी जंप है, बट बहुत ज्यादा नहीं। बट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को अगर हम देखें 358 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 341 करोड़ थे। सो ईच एंड एवरी क्वार्टर हम अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। एंड इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस सुधारने का मतलब है कि नेक्स्ट क्वार्टर में और भी परफॉर्मेंस सुधर सकता है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। एंड मार्केट इसी को रेस्पेक्ट कर रहा है। एंड स्टॉक 3000 के नीचे गया था, बट वहां पे अच्छा खासा बाइंग हमने स्टॉक में देखा। ऑल्दो 3000 के करीब मुझे हमेशा ये स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है, आई वाज नॉट थिंकिंग कि 3000 के नीचे ये जाएगा, बट मार्केट ओपनिंग होने के बाद ही स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया। नाउ परसिस्टेंसी सिस्टम या फिर एम्फेसिस रिजल्ट बहुत ही कंसिस्टेंट। परसिस्टेंसी सिस्टम इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, उसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था और आपको बोला था कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। एज आई सेड स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, बट उसका वैल्यूएशन इससे ज्यादा है क्योंकि वो बहुत बढ़ चुका है, एम्फेसिस उतना नहीं बढ़ा। सो एम्फेसिस इज अ गुड स्टॉक टू बाय इन दिस पर्टिकुलर डेट, टारगेट फॉर 4000। नाउ अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट आरएसएम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म के स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। लुक एट एमएफआई 19.7, 30 के तो नीचे बिलो 20 है। आज स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव है, सो डेफिनेटली ये 20 के ऊपर क्लोजिंग देगा, बट डेफिनेटली स्टॉक कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। आरएसआई में 36.6 यानी ओवरसोल्ड जोन के करीब है। क्यों ना हो, अगर आप स्टॉक के रिटर्न को देखेंगे आज तो स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव है, बट आज का लो है 2920, ये वन वीक लो है, वन वीक हाई 3300 है, क्योंकि आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फ्यू अदर आईटी कंपनी स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है, क्योंकि जहां पे एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के रिजल्ट के बाद स्टॉक करेक्ट हुआ था वही टाटा एलेक्सा ईच एंड एवरी डे 52 एक्स हाई को ब्रेक कर रहा है, विद इन अ वीक ये 20% बढ़ चुका है। वही स्टॉक लाइक एम्फेसिस इसमें थोड़ा करेक्ट हुआ था, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, थोड़ा शॉर्ट किया था, बट रिजल्ट जिन लोगों को समझ आया है वो जानते हैं कि परफॉर्मेंस में सुधार है, इसलिए स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग है, थोड़ा बाइंग भी है। तो डेफिनेटली वन मंथ लो भी ये है एंड वन थ्री मंथ लो
25 है, यानी 2900-2800 बॉटम है एंड हाई जो है 3500 जो कि इसका एक पीक रेजिस्टेंस है। सो डेफिनेटली जितना नीचे मिले परफॉर्मेंस स्टॉक का अच्छा, आई एम नॉट थिंकिंग स्टॉक बहुत नीचे जाएगा, बट फिर भी अगर किसी करेक्शन में स्टॉक 3000 के नीचे जाता है सो वही इसका बाइंग जोन है। आई एम नॉट थिंकिंग ऐसा होगा, अगर हम इसका 100-200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, सो 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 2664 बहुत दूर है, 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज वे इंपोर्टेंट जो है 3072, इस लेवल को स्टॉक ने रेस्पेक्ट किया क्योंकि 2920 से स्टॉक 3100 के ऊपर आ चुका है एंड अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है सो डेफिनेटली गुड, बट जब रिजल्ट निकल गया है रिजल्ट इज नॉट बैड, सो डेफिनेटली जितना नीचे गिरेगा उतना ही अच्छा खासा बाउंस बैक हम देखेंगे, बहुत ऊपर चला जाए सो डेफिनेटली अवॉइड कीजिए स्टॉक को, क्योंकि करेक्शन में बाई करेंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा ना, आप प्रॉफिट में रहेंगे और आपको इमरजेंसी कैश का रिक्वायरमेंट होगा तो आप स्टॉक को बेच के भी प्रॉफिट को बुक कर सकेंगे। डेफिनेटली इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है, 50 एक्सपोजर मूविंग एवरेज 3200 जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, देन 3300 देन 3500। अगर हम इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट देयर आर 7-8 कंपनीज जो मेरे रडार पे, टॉप कंपनीज में टीसीएस इंफोसिस इज माय रडार एंड देन आता है एसीएल टेक, टेक महिंद्रा, उसके बाद एलएनटी इंफोटेक, माइंडट्री, एम्फेसिस, टाटा इलेक्ट्रिक, परसिस्ट सिस्टम, कोफोर्ज, ओराकल फाइनेंस लिमिटेड एंड केपीआईटी जो कि न्यूली एडेड हुआ है। उसी के साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड इज ऑल्सो आ स्टॉक जो कि मेरे रडार में, ऑल्दो हैप्पीएस्ट माइंड का प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंसिव, ओराकल फाइनेंस के रिजल्ट भी मुझे अच्छे लगे एंड इसका वैल्यूएशन सबसे सस्ता है, वहीं पे कोफोर्ज, माइंडट्री, दीज कंपनीज आर ऑल्सो गुड जहां पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज रेस्पेक्टेबल, टाटा इलेक्ट्रिक बहुत बढ़ गया। सो आई सजेस्टेड एवरीवन यस्टरडे के इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पर्पस से ना देखें, ट्रेडिंग पर्पस से आपकी मर्जी, बट 15% बढ़ने के बाद थोड़ा टफ हो जाता है स्टॉप लॉस लगाने का। सो करेक्शन में टाटा इलेक्ट्रिक को बाय कीजिए, जितना बढ़ने के बाद करेक्शन भी होगा, ऐसा नहीं कि बढ़ती रहेगा क्योंकि वैल्यूएशन होता है, रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, बट 7000 के करीब अगर आपको ये स्टॉक मिले देन ऑनली आई कैन सजेस्ट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे फिर करेक्शन तो एक टाइम पे होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि स्टॉक एटेस्टेड 19000 चला जाएगा, तो और भी कंपनीज है जिसमें भी अच्छे खासे वैल्यूएशन डेफिनेटली है। सो दैट इज द थिंग, सो पीयर्स में जितने भी कंपनीज है उसमें Emphasis is also good according to price to earning ratio and ROC भी अच्छे खासे 25%, that is something I am trying to say। सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, इन दिस पर्टिकुलर कंपनी प्रोमोटर्स के पास 55.90 स्टेक है, FII बहुत ही बुलिश है 21% स्टेक है, DI के पास ऑलमोस्ट 18% स्टेक है एंड पब्लिक होल्डिंग थोड़ा कम है क्योंकि पब्लिक होल्डिंग बढ़ाने के लिए FII एंड DI को अपने होल्डिंग को घटाना पड़ेगा। प्रोमोटर्स के पास अभी थोड़ा स्टेक सेल करने का ऑप्शन है क्योंकि 50% से ऊपर उनको अगर स्टेक रखना है सो अभी भी 4% स्टेक को सेल कर सकते हैं, डेफिनेटली FII DI और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे एंड थ्रू आउट द ईयर FIIs ने अपने स्टेक को घटाया, DIIs ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, दैट इज अ गुड थिंग, बट डेफिनेटली 21% स्टेक FII के पास है, सो डेफिनेटली स्टॉक अगर गिरता है DI बाई करेंगे, DI का सेल करेंगे, FII बाई करेंगे, ऐसा कुछ होगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग अगर 10 के ऊपर होता आई वॉज हैप्पी, बट ऐसा नहीं है, बट फिर भी ये स्टॉक अच्छा है, 3000 के नीचे बाई कीजिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, डेफिनेटली आपको मल्टीपल का रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखता है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।